हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज योर एसएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट एशिया एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 20.5% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। अफ्रीका टोटल लैंड एरिया का 20.4% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। स्टूडेंट, वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन में 15% पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इट इज ये वर्ल्ड का 15% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड साउदर्न ओशन इन द साउथ। अफ्रीका जो है वो ईस्ट में इंडियन ओशन से सराउंडेड है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है एंड साउथ में साउदर्न ओशन से सराउंडेड है। इट मीन्स घिरा हुआ है। द मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। अफ्रीका को यूरोप से मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ में इसको सेपरेट करता है, इट मीन्स अलग करता है। द इक्वेटर पासिस थ्रू अफ्रीका विच हैज रिजल्टेड इन ग्रेट क्लाइमेटिक वेरिएशन। इक्वेटर, आप सबने इक्वेटर सुना होगा या जानते होंगे, जिसको हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। ये इक्वेटर अफ्रीका के बीचों बीच क्रॉस करता है, जिसके रिजल्ट में वहां क्लाइमेटिक में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड विद ड्राई लैंड्स एंड डेजर्ट। अफ्रीका का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो डेजर्ट है, इट मीन्स ड्राई लैंड है। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महादेश है। इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है एंड अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। द पैसिफिक ओशन सराउंड्स इन द वेस्ट एंड साउथ। इसके वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशन है, जो कि इसको सराउंडेड करता है। नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय द इथमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इथमस, इट मीन्स स्ट्रिप लाइन पासिस थ्रू अमेरिका टू पनामा। एक स्ट्रिप लाइन है जो कि पनामा से अमेरिका तक पास होता है और वही लाइन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका हैज अ लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड वाटरफॉल्स सच एज द पालाचेन्स एंड द रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है, जिनमें से पालाचेन्स एंड रॉकीज दो नाम आते हैं। एंड द नियाग्रा फॉल्स, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इट इज अ वाटरफॉल। इट्स ग्रेट प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मेनी रिवर्स एंड लेक्स। इसके जो प्लेन्स एरिया है, प्लेन्स पार्ट है, वो इन्हीं रिवर और लेक्स के थ्रू ड्रेन्ड किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। सो लुक, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी मोस्ट ऑफ पीपल इनहैबिटेंट इट्स
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. टोपोग्राफी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी मोस्ट ऑफ द पीपल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव हियर इन इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. साउथ अमेरिका हैज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट कोस्ट लाइन इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स. कहा जाता है कि साउथ अमेरिका का जो कोस्ट लाइन है ना, वो बहुत ही छोटा है अदर कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल फॉल एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर फ्लो थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. स्टूडेंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल फॉल एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर फ्लो थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. इसी कॉन्टिनेंट्स के थ्रू वो फ्लो करते हैं. द अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू इट. स्टूडेंट्स, अमेजन रिवर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर इसको बनाता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी नदियां हैं उनमें जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किस रिवर में है? अमेजन रिवर में है, जो कि इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर बनाता है. दिस कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. इस कॉन्टिनेंट को फेमस बनाता है इसका रिच बायोडाइवर्सिटी, थ्रिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड अमेजन रिवर रेन फॉरेस्ट. इसी कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बड़ा फॉरेस्ट और अमेजन रेन फॉरेस्ट भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. सो स्टूडेंट्स, रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. So, stay safe, stay home. Thank you.